हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं डिप्लॉयमेंट डिस्क्रिप्टर क्या होता है। ये एक तरह की फाइल है जो आपको हर एक जावा वेब एप्लीकेशन में बनाना ज़रूरी है। अगर आप जावा को यूज़ करके कोई वेब एप्लीकेशन बनाना चाह रहे हो, दैट मीन्स वेबसाइट बनाना चाह रहे हो, तो आपको ये वाली फ़ाइल बनाना मस्ट है। तो हम लोग इसी वीडियो में ये समझेंगे कि ये फ़ाइल हमें क्यों बनानी पड़ती है, इसकी क्या ज़रूरत है और इस फाइल को कहाँ पर और कैसे बनाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ये जो web.xml है, ये वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फाइल है आपके जावा वेब एप्लीकेशन की, और इसको बनाना बहुत ही ज़रूरी है। हमें हर एक जावा वेब एप्लीकेशन में बनाना ज़रूरी है। और ये जो है, इस फाइल का नाम मस्ट है कि हम web.xml दें, तो इसको हम लोग web.xml भी बोलते हैं, web.xml बोलते हैं। और इसको बनाना पड़ता है आपको webinf फोल्डर में। तो एक बार मैं webinf लिख देता हूँ। तो कहीं भी आप पूरे एप्लीकेशन में इस फाइल को जहाँ मर्जी वहाँ पे नहीं बना सकते, आपको जहाँ पे ये webinf फोल्डर दिखेगा उसी फोल्डर के अंदर बनाना है। तो ये web.xml क्या होती है, ये सारी चीज़ हम लोग देखते हैं। और इसका नाम डिप्लॉयमेंट डिस्क्रिप्टर भी है। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि web.xml क्या है। तो इट इज़ अ फाइल दैट कंटेन्स कॉन्फिग्रेशन ऑफ आवर या योर जावा वेब एप्लीकेशन। इसका मतलब है कि ये एक सिंपली फाइल है जो आपके जावा वेब एप्लीकेशन की पूरी पूरी कॉन्फिग्रेशन फाइल रखती है। दैट मीन्स अगर मैं एग्जाम्पल लूँ, दैट मीन्स अगर मैं एग्जाम्पल लेता हूँ, तो समझ लीजिए आपका फ़ोन है। तो फ़ोन की जितनी सेटिंग्स होगी मैनेज करना है, सेटिंग्स मतलब डिस्प्ले मैनेज करना है, या फिर रिंग टोन मैनेज करना है, वॉलपेपर मैनेज करने हैं, हाँ डेवलपर ऑप्शन मैनेज करना है, अपडेट्स मैनेज करना है, तो वो सेटिंग वाला सारा काम आपके डिप्लॉयमेंट डिस्क्रिप्टर वाली फाइल में होगा। दैट मीन्स अगर आपका जावा वेब एप्लीकेशन है, तो सारी कॉन्फ़िगरेशन कहाँ होगी, डिप्लॉयमेंट डिस्क्रिप्टर में होगी। अगर आप एंड्रॉयड डेवलपमेंट से अवेयर हैं थोड़ा सा भी, तो एंड्रॉयड डेवलपमेंट में एक फाइल होती है जिसका नाम होता है मैनिफेस्ट फाइल। दैट मीन्स manifest.xml फाइल होती है, वो एंड्रॉयड ऐप की कॉन्फ़िगरेशन फाइल होती है। उसके अंदर हम सारी कॉन्फ़िगरेशन करते हैं। एग्जैक्ट जावा वेब एप्लीकेशन में भी क्या होती है, आपकी वेबसाइट की कॉन्फ़िगरेशन होती है हमारी, कॉन्फ़िगरेशन होती है हमारी web.xml फाइल। इसको हम ऐसे भी समझ सकते हैं, जैसे मान लो आप किसी अननोन प्लेस पे जाते हो, तो आप वहाँ पे तो आपको कुछ पता नहीं है, तो आप क्या करते हो, स्टार्टिंग में जैसे ही आप स्टार्ट करते हो वहाँ से, या फिर आप क्या करते हो, मैप देखते हो, तो मैप में सारी चीज़ें बताई जाती है कि आपको यहाँ पे जाना है, ऐसे जाना है, वैसे जाना है, क्या लेके जाना है, क्या नहीं जाना है। दैट मीन्स आप क्या कर रहे हो, किसी कॉन्फ़िगरेशन फाइल को चेक कर रहे हो या देख रहे हो कि भैया हमें कैसे चीज़ें करनी है। तो web.xml क्या होता है, एक उसी तरह की फाइल होती है जिसके अंदर आपके आपके जावा वेब एप्लीकेशन में क्या हो रहा है, ये सारी चीज़ें बताई जाती हैं। अब फॉर एग्जाम्पल देखते हैं क्या क्या चीज़ें हम कॉन्फ़िगर कर सकते हैं web.xml में। तो सबसे पहली चीज़ है कि इट रिजाइड्स इन द web.web-inf फाइल। तो ये हाइफन लगा है यहाँ पे, अंडरस्कोर नहीं लगा है, तो आपको ये फाइल बनानी है web-inf फोल्डर के अंदर ही बनानी है, इसको कहीं और नहीं बना सकते। और जो ये फाइल होती है उसका एक्सटेंशन xml होता है, यहाँ पे मैं ये चीज़ आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। नेक्स्ट, जब आप फाइल बनाते हो, web.xml फाइल बनाते हो, तो उसके अंदर सबसे पहला टैग जो होना चाहिए, ये होना चाहिए आपका वेब ऐप वाला टैग। ये जो टैग है, ये रिप्रेजेंट करता है आपके वेब एप्लीकेशन को। दैट मीन्स ये जब टैग स्टार्ट होता है, तभी आपका वेब एप्लीकेशन स्टार्ट होता है। अगर ये टैग नहीं स्टार्ट हुआ, तो आप कितनी भी डिक्लेरेशन करो, मैपिंग करो, ये सारी चीज़ें नहीं चलने वाली, सर्वर उसे रीड नहीं करेगा, इवन डिप्लॉयमेंट ही नहीं होगा, क्योंकि मेन यही है वेब ऐप। दैट मीन्स आपने अगर ये टैग लगा दिया वेब ऐप और उसको बंद कर दिया, दैट मीन्स ये हमारा वेब ऐप है। अब इसके अंदर जो भी लिखेंगे, सर्वर उसे एज अ कॉन्फ़िगरेशन समझेगा कि मुझे क्या करना है। इसको हम ऐसे भी समझ सकते हैं, ये एक फाइल है जिसमें हम सर्वर को कमांड देंगे कि हमारी वेब एप्लीकेशन के बारे में क्या करना है, कौन कौन सी कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हैं। जैसे हम सर्वलेट को डिक्लेयर कर सकते हैं, लेट अस सपोज आपने एक सर्वलेट बनाया S1। अब ये सर्वलेट S1 है, लेकिन सर्वर को कैसे पता चलेगा कि ये सर्वलेट हमने बनाया है और सर्वलेट कब चलेगा। तो हम लोग क्या करते हैं, सर्वर को ये चीज़ इन्फॉर्म करने के लिए अपने सर्वलेट के क्लास को यहाँ पे web.xml में डिक्लेयर कर देते हैं। जैसे ही हम लोग डिक्लेयर करते हैं, तो सर्वर क्या करता है, जब कोई रिक्वेस्ट आती है, सर्वर सबसे पहले रीड करता है web.xml को। ये डिप्लॉयमेंट टाइम पे भी, इसलिए इसका नाम है डिप्लॉयमेंट डिस्क्रिप्टर, तो जब डिप्लॉयमेंट होता है तभी सर्वर कॉन्फ़िगरेशन करने के लिए इसको रीड करता है उस समय भी। तो आपने सर्वर की डिक्लेरेशन यहाँ पे कर दी है, तो सर्वर को पता चल जाएगा कि भैया हमारे ऐप में एक सर्वलेट है जिसकी क्लास का नाम है S1। उसके बाद इस सर्वलेट को कॉल कब करना है, हम लोग क्या करते हैं, सर्वलेट की मैपिंग कर देते हैं यहाँ पे, सर्वलेट मैपिंग। तो हम लोग URL पैटर्न बता देते हैं कि हमारा
हमारे सर्वलेट का URL पैटर्न है यहाँ पे, लेट अस सपोज स्लैश फर्स्ट। तो जैसे ही हम लोग अपनी वेबसाइट के URL पैटर्न में स्लैश फर्स्ट फायर करते हैं, तो वो इसी मैपिंग के थ्रू डिक्लेरेशन चेक करता है, और डिक्लेरेशन से क्लास चेक करता है, और क्लास का यहाँ पे डू गेट और डू पोस्ट मैथड को ओवरराइड कर देता है। इसीलिए इसी तरह हम लोग इनिशियलाइजेशन पैरामीटर कॉन्फ़िगर कर सकते हैं, वेलकम फाइल की कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हैं। वेलकम फाइल हम लोग ने पिछले वीडियो में देखा था कैसे कॉन्फ़िगर करना है। फिल्टर्स अगर कोई बनाते हैं तो फिल्टर कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हैं, लिसनर्स कॉन्फ़िगर कर सकते हैं, सेशन कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हैं। इसी तरह सारी चीज़ की कॉन्फ़िगरेशन हम लोग web.xml में कर सकते हैं। दैट मीन्स ये एक ऐसी फाइल है जिसके अंदर हम पूरे एप्लीकेशन की सेटिंग रखते हैं। अगर सेटिंग यहाँ से कुछ चेंज हुई, गड़बड़ होगी, तो एप्लीकेशन में दिक्कत आ जाएगी। कॉन्फ़िगरेशन आपको करनी है तो web.xml बहुत इंपॉर्टेंट फाइल है। अगर आप ये नहीं बनाते हो तो सर्वलेट डिक्लेयर ही नहीं कर पाओगे सर्वलेट, तो सर्वर आइडेंटिफाई नहीं कर पाएगा कि आपके प्रोजेक्ट में कोई सर्वलेट भी बना है। मैपिंग नहीं हो पाएगी, पैरामीटर्स नहीं दे पाओगे, कॉन्फ़िगरेशन नहीं कर पाओगे, फिल्टर्स नहीं बना पाओगे, लिसनर्स नहीं बना पाओगे, तो यहाँ पे मुश्किल हो जाएगी सर्वलेट को चलाना। तो इसीलिए वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फाइल ऑफ योर जावा वेब एप्लीकेशन इज web.xml फाइल, एंड यू हैव टू क्रिएट दैट फाइल, अदरवाइज योर एप्लीकेशन विल नॉट गेट डिप्लॉयड ऑन सर्वर। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फाइल है, इसको बनाना ज़रूरी है। आप बनाओगे फिर जितने सर्वर बनाओगे, अगर आपने 5 सर्वर बनाए हैं तो पांचों की कॉन्फ़िगरेशन यहाँ करोगे, 5 फिल्टर्स बनाए हैं तो फिल्टर्स की कॉन्फ़िगरेशन करोगे यहाँ पे, तभी जो हमारा सर्वर होगा उसको पता चल पाएगा कि हमारे एप्लीकेशन में ये सारी चीज़ें। तो एक बार मैं आपको बता देता हूँ कि कहाँ पे ये फाइलें बनानी है आपको, कहाँ पे ये web.xml फाइल बनानी है, और नेटबीस में आपको ये भी बता दूंगा कि कैसे बनानी है। उसके बाद में हम लोग इक्लिप्स वगैरह भी देख लेंगे इक्लिप्स में कैसे बनानी होती है। अगर कोई इक्लिप्स यूज़ कर रहा है तो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कि हमें इक्लिप्स में कैसे बनाना है, पहले वो मुझे बताएगा। अगर आपको नहीं आएगा फिर मैं आपको बताऊंगा कैसे आपको इक्लिप्स में web.xml बनानी। तो यहाँ पे हम लोग, मैं लेके चलता हूँ आपको नेटबीन्स IDE में, और हमारे पास नेटबीन्स IDE यहाँ पे ओपन है, और मेरे पास एक प्रोजेक्ट ओपन है, YouTube नाम का प्रोजेक्ट ओपन है। और इस प्रोजेक्ट में अगर हम देखें यहाँ पे, तो सबसे पहले YouTube फोल्डर है हमारा, और उसके अंदर बहुत सारे और फोल्डर हैं, उसके अंदर वेब पेजेस, रिमोट फाइल सोर्स पैकेजेस, टेस्ट पैकेजेस, लाइब्रेरीज। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट जो चीज़ है वो तीन यहाँ पे फोल्डर हैं। सबसे पहला फोल्डर वेब पेजेस का फोल्डर, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद सोर्स पैकेजेस का फोल्डर है, वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और लाइब्रेरीज का पैकेजेस है, वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आपको जब नेटबीन्स में काम करोगे तो मोस्टली तीन ही फोल्डर आपको ध्यान रखने हैं। वेब पेजेस में आप पेजेस बनाओगे, HTML के, JSP के, CSS फाइल्स बनाओगे, ये सारी चीज़ रखोगे यहाँ पे। और सोर्स पैकेजेस में आप सारी जावा की फाइल बनाओगे। यहाँ पे मैंने कुछ सर्वलेट भी बनाए थे, माई सर्वलेट, रजिस्टर सर्वलेट, सक्सेस सर्वलेट, ऐसे करके बहुत सारे सर्वलेट बनाए थे उस दिन पिछले वीडियोस में हम लोगों ने काम करने के लिए। तो अगर हम वेब पेजेस में आए तो यहाँ पे हमारा एक फोल्डर है web-inf। इस फोल्डर को अगर ओपन करते हैं तो हमारी एक फाइल मिलेगी web.xml फाइल, यही हमारी डिप्लॉयमेंट डिस्क्रिप्टर फाइल है। अगर मैं इस पर ओपन करूँ तो जैसा कि हम लोग देख पाएंगे, अभी हम लोग सीख रहे थे कि सबसे पहला टैग है वो वेब ऐप का टैग है, ये ओपन हो गया, और ये टैग देखिए बंद हो गया। उसके अंदर सबसे पहली जो कॉन्फ़िगरेशन मैंने की थी वो वेलकम फाइल की कॉन्फ़िगरेशन की थी। हमने अपने इस प्रोजेक्ट के लिए अपनी जो होम फाइल थी उसको चेंज किया था, और index.html की जगह हम लोगों ने वेलकम फाइल रखा था home.html। तो जब भी हमारा ऐप ओपन करेगा तो आपने कॉन्फ़िगरेशन कर दी अपने web.xml वाली फाइल में, तो सर्वर क्या करेगा, home.html को ही एज अ वेलकम फाइल, दैट मीन्स होम पेज ओपन करेगा। उसके बाद देखिए हमने सर्वलेट डिक्लेयर भी किए हैं 2-3-4 सर्वलेट, उसके बाद मैपिंग भी इनकी की है, इसी तरह सेशन के कॉन्फ़िगरेशन किए हैं। लेट अस सपोज अगर आपके आपके पास ये फाइल नहीं होती तो आप web-inf पे राइट क्लिक करते, यहाँ पे न्यू पे जाते और अदर पे जाते, और यहाँ पे सर्च करते डिप्लॉयमेंट डिस्क्रिप्टर। तो यहाँ पे देखिए स्टैंडर्ड डिप्लॉयमेंट डिस्क्रिप्टर आ जाता, उसको नेक्स्ट कर देते और फिर क्या करते, फिनिश कर देते, क्योंकि हमारे प्रोजेक्ट में ऑलरेडी कॉन्फ़िगर्ड है web.xml। तो यहाँ पे देखिए मैसेज बता रहा है web.xml ऑलरेडी एग्जिस्ट और देयर इज़ नो वैलिड लोकेशन फॉर इट, तो हमारे में ऑलरेडी है। अब बताती है इसको क्यों बनाते हैं, तो क्यों का मतलब इसका सीधा सीधा आंसर यही है कि हमारे सर्वर के कॉन्फ़िगरेशन करने के लिए बनाते हैं। कॉन्फ़िगरेशन दैट मीन्स सर्वर को इन्फॉर्म करने के लिए बनाते हैं। अब सर्वर बार बार मैं बोल रहा हूँ, इसका मतलब मैं वेब कंटेनर की बात कर रहा हूँ, जिसको हम लोग सर्वलेट को एग्जीक्यूट करता है।
तो जो सर्वर है उसको कॉन्फ़िगरेशन बताने के लिए कि हमारे ऐप में कितने सर्वर्स हैं, कितने फ़िल्टर्स हैं, उनकी मैपिंग कैसी है, कितने लिसनर्स हैं, अब वो कॉन्टेक्स्ट लिसनर है कि सेशन HTTP सेशन लिसनर है, तो वो सारी डिक्लेरेशन करने के लिए, कॉन्फ़िगरेशन करने के लिए हम लोग क्या बनाते हैं, वेब डॉट XML बनाते हैं। बट अगर आप ऐप बनाओगे तो कॉन्फ़िगरेशन बहुत मस्ट है, तो बार बार मैं ये फोकस कर रहा हूँ कि वेब डॉट XML फाइल बनाना बहुत ज़रूरी है अगर आप सर्वलेट के साथ ऑपरेशंस परफॉर्म करना चाहते हो। और दूसरा पॉइंट जो है वो इस फाइल को आपको वेब डैश INF फोल्डर में ही बनाना है। तो इस वीडियो में हम लोगों ने समझा कि वेब डॉट XML क्या है। मैं वीडियोज़ को ज़्यादा लंबी नहीं करना चाहता हूँ जिससे आप लोग बोर ना हो जाओ, और हम लोग नेक्स्ट वीडियो में और भी जावा एडवांस के कुछ कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करेंगे और प्रोजेक्ट भी करेंगे। तो अभी तक अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और उस